आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। धनौल्टी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, काश्तकारों के साथ होटल व्यापारियों के खिले चेहरे। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। गुरुवार को धनौल्टी के आसपास की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद धनौल्टी और मसूरी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। 28 नवंबर से शुरू होगी रामनगर से जैसलमेर को ट्रेन। रामनगर में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 28 नवंबर से रामनगर से जैसलमेर को जाने वाली ट्रेन शुरू हो जाएगी। रेलवे प्रशासन ने लोगों की जरूरत को देखते हुए जैसलमेर एक्सप्रेस को चलाने का निर्णय लिया है। 30 ग्राम स्मैक और 37 पाउच कच्ची शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। खटीमा में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को 30 ग्राम स्मैक और एक शराब तस्कर को कच्ची शराब के 37 पाउच के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्करों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 22 प्रस्तावों को मंजूरी। नगरपालिका परिषद मसूरी की बैठक में 25 प्रस्ताव लाए गए। इनमें से 22 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया। दो प्रस्तावों में 8 सभासदों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। एक प्रस्ताव रद्द किया गया। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने की। सीएम त्रिवेंद्र रावत की तारीफ पर फंसे हरदा, कहा जाओ फिर भाजपा ज्वाइन कर लो। कांग्रेस ने आपसी तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस में अपनों के साथ ही घमासान जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस में अंतरकला किसी से छुपी नहीं है। अक्सर एक दूसरे से नाराजगी साफ तौर पर कार्यक्रमों में और मंच में देखी गई है। अभी भी उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी घमासान नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करने पर हरीश रावत अब कई कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पेट्रोलिंग टीम पर आतंकवादियों ने किया हमला, दो जवान शहीद। 26/11 की बरसी में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की, जिससे देश के दो जवान शहीद हो गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर HMT इलाके में आतंकवादियों ने पेट्रोलिंग के लिए की गई टीम पर हमला किया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें दो जवानों के शहीद होने की खबर है। हर्षिल घाटी में 3 फीट की जमी बर्फ, 8 गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते जनपद के हर्षिल घाटी के 8 गांवों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। श्रीनगर में सड़क से 50 फीट नीचे बेकाबू कार, 3 घायल। शिकोट से भल्ले गांव कीर्तिनगर लौट रही एक कार मलेथा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में विक्रम चौहान 58 साल, सरोजनी देवी 51 साल, निर्मला चौहान 23 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। कमलेश्वर मंदिर में खड़ा दिया अनुष्ठान के लिए 130 दंपतियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। इस बार कमलेश्वर मंदिर में होने वाले खड़े दिए अनुष्ठान में शामिल होने वाले दंपतियों को कोविड रिपोर्ट लानी होगी। अब तक 130 दंपतियों ने इस अनुष्ठान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। रोजगार मेले में दिखी बेरोजगार युवाओं की तंग हाली, डिलीवरी बॉय बनने के लिए भी है तैयार। सेवायोजन कार्यालय में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभ्यर्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की उचित व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। सम्मोहन के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। बहार दराबाद पुलिस ने सम्मोहित करके ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 11 नवंबर को एक व्यक्ति को सम्मोहित करके 10,000 रुपए और मोबाइल ठग लिया था। उच्च शिक्षा मंत्री और डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया पैठाणी थाने का भूमि पूजन। पैठाणी में काफी समय से अस्थायी रूप से थाने के संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब जरूरत को देखते हुए वहां पर स्थायी थाना खोला जा रहा है। गुरुवार को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार पैठाणी थाने की भूमि पूजन किया। अल्मोड़ा में शादियों की परमिशन के लिए SDM ऑफिस में लग रही लोगों की भीड़। अल्मोड़ा SDM कार्यालय में इन दिनों शादी की परमिशन लेने के लिए आवेदकों की भीड़ लगी हुई है। एक विवाह में 200 लोगों को शामिल होने की परमिशन दी जा रही है। लव जिहाद कानून की सायरा बानू ने की वकालत, कहा उत्तराखंड में भी हो लागू। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानू ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर वो इस कानून को प्रदेश में लागू कराने की मांग करेंगी। देहरादून में वार्डों की साफ सफाई के लिए जल्द बनेगी स्वच्छता सेना।
देहरादून नगर निगम वार्डों की साफ सफाई के लिए एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत सभी 100 वार्डों में लोगों की स्वच्छता सेना बनाकर वार्डों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेगी। छात्रों ने गढ़वाली और संस्कृत भाषा में लिखे जागरूकता स्लोगन पुलिस करेगी सम्मानित। पौड़ी में पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी की ओर से छात्र छात्राओं के लिए स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने हिंदी, गढ़वाली और संस्कृत तीनों ही भाषाओं में स्लोगन लिखे। अब निजी लैब में इतने रुपए में होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बीच में कोरोना का कहर कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अधिक संख्या में बाहरी राज्यों के लिए लोग उत्तराखंड घूमने और शादी ब्याह में आ रहे हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं लोग कोरोना की जाँच भी नहीं करवा रहे हैं। सर्दी जुकाम खांसी होने पर डॉक्टर या मेडिकल से दवाई खा रहे हैं और कोरोना टेस्ट कराने से बच रहे हैं, जिस कारण लगातार संक्रमण फैल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लोगों को सहूलियत देते हुए सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के नए रेट तय कर दिए हैं। जी हां, शासन ने निजी लैबों में रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट 679 रुपए कर दिया है, जिससे लोग पहले से कम रेट में टेस्ट करा पाएंगे। अब शादियों में बिन बुलाए बराती बनेगी पुलिस, फिर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ने लगा है और कहर दिखने लगा है। आए दिन 500 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, जिससे लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। शादियों के सीजन में खासी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार फिर से पुलिस सतर्क हो गई है। जी हाँ, रुड़की में शादी समारोह में अब पुलिस बिन बुलाए बाराती बनेगी। जी हाँ, पुलिस बिन बुलाए हर शादी में दस्तक देगी और नियमों का पालन कराएगी। नियम का उल्लंघन करता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस वेडिंग हॉल से लेकर होटलों में जाएगी और कोविड-19 के नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर कोरोना का साया, गंगा स्नान पर लगी रोक। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बता दें कि हरिद्वार गंगा स्नान में कोरोना का साया पड़ गया है, जिसके चलते 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर होने वाले गंगा स्नान को स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने गंगा स्नान पर रोक लगाई है। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी दिया है। वहीं बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जनवरी से शुरू होने वाले हरिद्वार कुंभ के आयोजन पर भी संकट छा गया है।